अब कौन सी फिल्म चुराई बॉलीवुड ने, क्या सूर्यवंशी वाला प्लॉट चलेगा या नहीं, फिल्म की कहानी होगी सेम या नहीं, जानेंगे हम ये सब इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों बोला जा रहा है बॉलीवुड को कॉपीकैट। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड का नाम कुछ यूं पड़ गया है कि उसे हर कोई अब कॉपीकैट ही बोल रहा है। तो क्यों बोल रहे हैं लोग ये सब, चलिए बात करते हैं आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। तो ये कहानी की शुरुआत हुई थी 2010 से, जब सिंघम आई थी। जी हाँ दोस्तों, सिंघम अजय देवगन और रोहित शेट्टी का फोर्स कोलैबोरेशन था। ये वही फिल्म है जिसने कॉप यूनिवर्स स्टार्ट भी करा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि रोहित शेट्टी एक कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं। उसकी पहली मूवी 2010 में आई थी जिसका नाम सिंघम था। इस मूवी को काफ़ी पसंद करा गया दर्शकों के थ्रू। इसके बाद इसका सीक्वल आया 2014 में। इसका सीक्वल को लोगों ने इतना पसंद करा कि उसी टाइम मांगने लगे इसकी अगले पार्ट की डिमांड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी डिमांड हुई मार्केट में कि सिंघम 3 चाहिए। रोहित शेट्टी ने बोला अभी हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, और उनके दूसरे प्रोजेक्ट यानी कि कॉप यूनिवर्स की दूसरी मूवी जो थी हमारी सिम्बा, ये मूवी थी हमारी रणवीर सिंह की। इन्होंने भी काफ़ी कुछ करके दिखाया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था मूवी का। मूवी में काफ़ी कॉमेडी भी थी, काफ़ी इमोशन भी था, और एक रियल कंसेप्ट को लेके मूवी बनाई गई थी, वही सिंघम वही सिम्बा। और इसके बाद 2019 में आई सूर्यवंशी। सूर्यवंशी की तो क्या ही बात करनी, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस फिल्म में अक्षय कुमार थे, और इस फिल्म में ये तीनों दिखाई दिए साथ में। आप लोगों ने अगर सूर्यवंशी देखी होगी तो इसमें सूर्यवंशी, सिम्बा और सिंघम तीनों की एंट्री हुई थी। और जब सिंघम की एंट्री हुई थी तो एक लास्ट के डायलॉग से हुई थी, जब वो ओमार हासिफ से बात करते हैं और बोलते हैं कि सिंघम वहीं पे आएगा। जी हाँ दोस्तों, सिंघम वहीं पे आएगा का मतलब है कि सूर्यवंशी की कहानी अब सूर्यवंशी में नहीं चलेगी, सूर्यवंशी की कहानी को टेक ओवर करेंगे सिम्बा 3 में। तो जब कहानी हो ही गई है पक्की कि यही चलेगी सिंघम 3 में, तो लोग क्यों बोल रहे हैं बॉलीवुड को कॉपीकैट। तो मैं बताती हूँ आपको इसके पीछे की पूरी खबर। ऐसा बोला जा रहा था कि सिंघम 3 एक रीमेक बनेगी मलयालम मूवी बिज्जू का। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है, काफ़ी हाई रेटिंग भी है, मगर रोहित शेट्टी ने कभी भी इसके ऊपर कन्फर्मेशन नहीं दी थी। उन्होंने हमेशा बोला था कि होगी होगी होगी, सिंघम 3 बनेगी, मगर कभी भी ये नहीं बोला था कि रीमेक पे बनेगी, चाहे इस पे बनेगी चाहे उस पे बनेगी। मगर सूर्यवंशी के एंड पे तो हमने देख ही लिया कि कैसे उन्होंने सबको बता दिया है कि सिंघम 3 आने वाली है, और कैसे उसकी स्टोरी लाइन भी बता ही दी है हमें। तो क्या स्टोरी लाइन होगी चेंज या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा। मगर उसके लिए तो हमें फिल्म का वेट ही करना पड़ेगा, जिसे आने में अभी काफ़ी टाइम है। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।